तारीख 26 जुलाई एटले के कारगिल विजय दिवस आज कारगिल युद्ध ने जीती ने 24 वर्ष थई गया छे। त्यारे आज कारगिल विजय दिवस अंतर्गत वडोदरा शहर ना मांजलपुर मा रहता 8 वर्षीय बाळक रुद्र सावंत पाटिले कारगिल युद्ध ना शहीदों ने पुष्पांजलि अर्पण करी हती अने कारगिल विजय दिवस ना विषय आटली नानी उम्र मा पण आ दिवस नु महत्व अने कारगिल विजय दिवस विषय जणाव्यु हतुं। कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारतना बधा देशवासीओ माटे खूब ज महत्वपूर्ण दिवस है। भारत में 26 जुलाई ना रोज कारगिल विजय दिवस मनावामां आवे छे। त्यारे आ दिवसे कारगिल युद्धना तमाम शहीदों ने श्रद्धासुमन श्रद्धांजलि अर्पण करवामां आवे छे। त्यारे आज रोज तारीख 26 जुलाई एटले के कारगिल विजय दिवस है। आज कारगिल युद्ध ने जीती ने 24 वर्ष थई गया छे। त्यारे आज कारगिल विजय दिवस अंतर्गत वडोदरा शहर ना मांजलपुर मा रहता 8 वर्षीय बाळक रुद्र सावंत पाटिले कारगिल युद्ध ना शहीदों ने पुष्पांजलि अर्पण करी हती अने कारगिल विजय दिवस ना विषय आटली नानी उम्र मा पण आ दिवस नु महत्व अने कारगिल विजय दिवस विषय जणाव्यु हतु अने तेओ द्वारा शहीदों ने श्रद्धांजलि अर्पण करवामां आवी। मेरा नाम है रुद्र सावंत पाटिल। मैं चौथी कक्षा में पढ़ाई करता हूँ। मेरे स्कूल का नाम है केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन मकरपुरा वडोदरा। आज कारगिल विजय दिवस के बारे में 8 से 10 पंक्तियाँ बताने जा रहा हूँ। आज कारगिल विजय दिवस को 24 साल पूरे हुए। कारगिल युद्ध में जो जवान शहीद हुए हैं उनको मैं दिल से नमन करता हूँ और जो जवान हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात है उनको मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। आज ही के दिन हमारे सेना ने पाकिस्तान से कारगिल युद्ध में विजय हासिल किया था। हमारे जवानों ने अपना खून बहाकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। हम सभी को कारगिल युद्ध में शहीद हुए उन वीर सपूतों को दिल से नमन करना चाहिए। हमें अपने देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम देश के सैनिकों का सदैव सम्मान करें। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम सभी देश की सुरक्षा में योगदान दे सकते हैं। भारतीय सेना उस माँ की तरह है जो निस्वार्थ भाव से काम करती है और बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। अपना भारत देश वीर योद्धाओं की भूमि है, इसीलिए आज आप और मैं सभी प्रतिज्ञा लेंगे कि हम अपने देश की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। जाते जाते मैं जवानों के लिए एक शेर सुनाना चाहता हूँ। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। जय हिंद जय भारत।